मेरे भाई के एक गोली लगी, गोली मारने वाला आदेश चौहान पुलिस वाला जो हमारी चौकी पर था और ऋषि पाल, इन दोनों ने गोली चलाई और गोली मेरे भाई के सर में लगी। अब वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर पूरी तरह से गुंडाराज हावी हो जाएगा और दलितों को जब अपने घर में प्रतिमा नहीं लगाने दी जाती है ऐसे में और गोली मार दी जाती है सरेआम, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो ये पुलिस को बताया गया कि हमारी सेवा करने वाली पुलिस है, क्राइम को रोकने वाली पुलिस है, नहीं, यूपी की पुलिस गुंडी पुलिस है, योगी की पुलिस गुंडी पुलिस है और पूरे वर्दी की आड़ में गुंडे ही की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है। सरकार से हमारी मांग है कि सरकार इस पूरे मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दे। अब ये बताइए, गोली चली है जी जी, पुलिस की बंदूक से चली है, ये तो यही सी बात की जांच हो रही है, यही तो बात भाई है। बताओ, आपने फैसला कर दिया, एसआईटी जांच कर रही है सब कुछ होते हुए भी, अभी ये क्लियर नहीं कि पुलिस की बंदूक से ही गोली चली है। परिवार ने कहा है कि न्याय चाहिए और जब तक फाइल पुलिस के पास है, योगी जी के पुलिस के पास, तब तक कोई न्याय नहीं है। आई एम राइट सर, आई एम राइट, न्याय नहीं है ना। ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश के अंदर हम चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत कराई गई हत्या है और पूरे तरह से एसडीएम खुद फैसला नहीं ले सकता, इसमें मुख्य आरोपी जो है हमारे सीएम है, डीएम है, एसडीएम है, उनको लाओ और फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ। इस समय मैं बैठी हूँ सोमेश के घर, सिलई बड़ा गांव में हम आए हुए हैं, हमारे साथ सतपाल तंवर जी भी हैं और यहाँ पे हमने बात की है, परिजनों से जानने की कोशिश की है, स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की है कि उस दिन क्या हुआ था, माँ से बात की है हमने और अब हम बात करेंगे सतपाल तंवर जी से। सतपाल तंवर जी, आप अभी परिवार से मिले हैं, आप स्थानीय लोगों से मिले हैं, पुलिस से मिले हैं, आपने पुलिस से बात की है, तो क्या आपका दृष्टिकोण है इस पूरे घटनाक्रम पे, क्या लगता है आपको कि क्या हुआ था उस दिन और क्या आपने देखा अभी तक और क्या समझा आपने? सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, जो ये बड़ी घटना यहाँ पर घटित की गई है जानबूझकर पुलिस प्रशासन के द्वारा और देश की, इसकी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इनको उम्मीदें जो है वो टूट चुकी हैं। बात करके मैं भी काफ़ी भावुक हो गया था, एक माँ का दर्द मैंने समझने की कोशिश करी, आप और हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, वो भी 16-17 साल की एज में अपना बच्चा उन्होंने खो दिया, तो आप समझते हैं कि उस माँ पर क्या बीत रही है। और यहाँ उनके पिताजी जो है बिल्कुल एक साइड में लेटे हुए हैं, उनको खुद को होश नहीं है बिल्कुल, मैंने सिर्फ गले लगाकर एक सांत्वना देने की कोशिश की है कि मैं साथ हूँ आपके, अकेले नहीं हूँ आप, लेकिन एक बाप से पूछ के देखो, जब बच्चे के अर्थी जो है उनके कंधे पर होती है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। ये महसूस जब हमने इस दर्द को किया तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये परिवार पूरी तरह से टूट चुका है और बता रहे हैं कि 3 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई करने वाली पुलिस है और पुलिस की तरफ से बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। जो ये पूरा वाकया हुआ है, इनको डिस्टर्ब करने से छोड़ो यार, चुप कर दो एक बार, जो ये पूरा वाकया हुआ है ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर यदि आपका खुद का 100 गज का 50 गज का कोई प्लॉट है, अगर आप उसमें बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाना चाहते हैं तो आपको प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप उस प्लॉट के मालिक हैं, स्वामी हैं, हकदार हैं, आपके पास रजिस्ट्री है, आपने वो जमीन खरीदी है, किसी से ली है, यानी कि आप उसके मालिक हैं। ऐसे में अगर आप वहाँ पर कोई भी प्रतिमा बाबा साहब की लगाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कौन सा कानून, आप अपने घर में चाहे कुछ भी करें, वो आपकी मलकियत है, आप अपनी मलकियत में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर इतना तानाशाह हो चुका है कि दलितों को दबाया जा रहा है और हमारे छोटे भाई की हत्या, उसको गोली मारा जाना, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि उनका गुस्सा जायज है। हाँ, उनका गुस्सा जायज है, सीधी सीधी गोली मारी गई, मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये सोची समझी साजिश है। जब एक प्लॉट के अंदर वो प्रतिमा लगाने की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लोकतंत्र में अधिकार है, और बोर्ड लगा दिया, आप उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप व्यक्ति को मार दोगे, आप उसको गोली मार दोगे।
एक एसडीएम खुद ये फैसला नहीं ले सकता, ऊपर से फोन आया है, तब जाकर के एसडीएम ने गोली मारने के आदेश दिए हैं। अकेले एसडीएम का काम नहीं है, अकेले सीओ का काम नहीं है, इसमें ऊपर से लेके नीचे तक हमाम में सारे नंगे हैं, पूरी की पूरी दाल काली है। और मैं खुलासा करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, सिर्फ एसडीएम को आरोपी बनाना ही हमारी मांग है कि उसको फांसी पर टांग दो। जिन्होंने गोली मारी है वो आरोपी हैं, लेकिन ऊपर से फोन आए बिना बिल्कुल भी ऐसा संभव नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है, पुलिस जो है वो एसडीएम के या सीओ के फोन की जांच रिपोर्ट जो है वो जनता के सामने प्रस्तुत करें। अगर वो जांच रिपोर्ट सामने आती है तो हमें पता चलेगा कि कहीं लखनऊ से फोन तो नहीं आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चलाया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये उन्हीं के आदेश पर ही किया गया कारनामा है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि पुलिस को ही ऊपर आरोप लग रहे हैं और पुलिस की ही इसकी कार्रवाई कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर पाएगी? देखिए, चोर जो है वो चोर को ही आप अपने घर की जिम्मेदारी दे दोगे, कैसे संभव है कि आपको न्याय मिल जाएगा? चोरी नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर पुलिस दोषी है, यहाँ पर प्रशासन दोषी है, यहाँ पर एसडीएम डीएम दोषी है, यहाँ पर सारे दोषी है। इन्होंने हत्या सोचे समझे तरीके से की है, ऐसे में हम पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पुलिस के ऊपर तो क्या हम सरकार तक भी भरोसा नहीं कर सकते। जब हाथरस का कांड हुआ था, मनीषा वाल्मीकि की हत्या हुई थी, उनकी रेप करके गैंगरेप करके हत्या की गई थी, तब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था, नेशनल मीडिया के सामने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो आरोपी जो पीड़िता है पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में कोई भी स्पर्म नहीं पाया गया। अब आप ये देखिए, पूरी मीडिया के सामने इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना क्या महिला का अपमान नहीं है? महिला आयोग इस पर बहुत सख्त एक्शन ले सकता है, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वही जब ये मामला सीबीआई के पास गया तो सीबीआई ने कहा कि आरोपी हैं, दोषी हैं, और उनको दोषी भी ठहराया गया कोर्ट से, वो लोग जेल में हैं। ऐसा ही यहाँ होगा, इस मामले में होगा। जब पुलिस ये कहेगी, पुलिस की जांच रिपोर्ट ये कहेगी कि उन बच्चों ने खुद ही बंदूक उठा ली और खुद ही जो है अपने उन्होंने गोली मार ली, पुलिस इस मामले को पूरा घुमाने की कोशिश करेगी। सांप की रस्सी बनाई जाएगी, रस्सी का सांप बनाया जाएगा। हमें पुलिस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी हत्यारे हैं तो उनकी पुलिस भी हत्यारी है। यहाँ रामपुर के डीएम, एसडीएम, सीओ, एसपी से लेकर के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक का जो है वो दामन खून से रंगा हुआ है। हमारे सोमेश, हमारे छोटे भाई के खून से इनका दामन रंगा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि इनसे हमें न्याय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सीबीआई जांच की मांग हम इस पूरे मामले में करते हैं, और सबसे पहले जांच होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले जो आरोपी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, तभी तो हम न्याय की कुछ संभव बात कह सकते हैं ना कि हाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ सब कुछ ढीला है, प्रशासन तो ये जानता है, इकट्ठा हो तो कब गोली मारो। हम यहाँ बैठे हैं ना तो अपनी जान हथेली पर लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये शायद पुलिस अचानक से आएगी और हमारे ऊपर हमला कर देगी। यूपी में तो पूरा गुंडा राज चल रहा है, सरेआम योगी जी कहते हैं मारो गोली। अरे दोषी भी है, अगर कोई बदमाश भी है तो फैसला कोर्ट करेगा। योगी जी कौन होते हैं फैसला करने वाले? फैसला तो कोर्ट ही करेगा ना, जस्सा भी करेंगे ना, तो ये अदालतें क्यों बना रखी है? ये सरेआम कहते हैं मार दो गोली, हो गया एनकाउंटर। अब इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई, ये दलितों को मारने लगे, वो भी हमारे बच्चों को मारने लगे, नाबालिग बच्चे को मारने लगे। हमारे गिरेबान तक इनका हाथ पहुंच चुका है। आप सुमेश के भाई हैं, तो जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ या क्या हुआ पहले तो हमें वो बताइए। और दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि सुमेश जो मृतक थे वो क्या सोचते थे बाबा साहब अम्बेडकर को लेके, या कोई मोमेंट उनका जो था जिसको लेके वो ज्यादा प्रेरित थे, उसके बारे में मुझे बताइए। सुमेश एक नाबालिग छात्र था, उसको ये तक नहीं मालूम था कि लड़ाई कैसे होती है, झगड़ा कैसे होता है। वो एक बोर्ड लगाने के विरोध में, महिलाएं व बच्चे थे वहाँ, वो भी खेल कूद रहा था, जिससे कि प्रशासन पूरे बल्क से आया था वहाँ। मैं जेसीबी साथ में लाया था उखेड़ने के लिए, जिससे कुछ महिलाएं और वह छोटे बच्चे थे जो बोर्ड को घेर कर बैठ गए। ऐसा एसडीएम साहब के कहने पर प्रशासन ने पहले लाठी चलाई,
उसके बाद महिलाएं व बच्चे नहीं हटे, फिर एसडीएम साहब ने कह दिया कि शूट करो, गोली मारो और काम ख़त्म करो इनका, जिससे एसडीएम साहब के कहने पर मेरे भाई के एक गोली लगी। गोली मारने वाला आदेश चौहान पुलिस वाला जो हमारी चौकी पर था और ऋषि पाल, इन दोनों ने गोली चलाई और गोली मेरे भाई के सर में लगी एसडीएम साहब के कहने पर, और मेरा भाई शहीद हो गया। अच्छा, सुन रहे हैं कह कि जो शव है वो भी परिजनों को नहीं दिया गया, वो भी जबरदस्ती जला दिया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो शव था पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे, मैं साथ में गया था जब वहाँ थी। इन लोगों की सारी प्रक्रिया ये थी कि सबको ना दिया जाए और रामपुर में ही दाह संस्कार कर दिया जाए। कुछ लोग हमारे साथ के मौजूद लोग रहे जो कि उस सबको यहाँ तक लाया गया एम्बुलेंस द्वारा। फिर एम्बुलेंस में सब रखा था, 3 घंटे प्रशासन ने चारों तरफ से एम्बुलेंस घेर ली और सबको नहीं उतारने दिया। हम लोगों की मांग थी कि हमारा भाई जब शहीद हुआ है जिस जगह, हम दाह संस्कार उसी जगह थे। उसके बाद 3 घंटे एम्बुलेंस में से नहीं उतरने दिया, मेरे को पेशाब लग रही थी, मैंने पेशाब एम्बुलेंस में की थी। उसके बाद कुछ हमारे समाज के लोग आए और फिर सबको उतारने की अनुमति मिली और फिर घर लाए। अच्छा, तो घर लाए, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि शव को पुलिस ने ही जबरदस्ती जलवा दिया गया था। हाँ, पुलिस प्रशासन ने अपनी मनमानी करी थी। हम लोग चाह रहे थे कि जहाँ हमारा भाई शहीद हुआ उसका दाह संस्कार वहीं पर होना चाहिए। फिर पुलिस प्रशासन जबरदस्ती उस शव को उठा के शमशान ले गया। शमशान में भी भगदड़ व लाठी चार्ज हुई, जिससे कि पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा था। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। नहीं, मिस्टर रविंद्र प्रताप सिंह जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या एसडीएम गोली चलाने का आदेश दे देगा भीड़ के ऊपर? एसडीएम को पावर है, लेकिन वह पावर विभिन्न परिस्थितियों में है कि परिस्थितियां क्या रही हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं था, जो यहाँ तो कोई दंगा नहीं था, फसाद नहीं था, कोई किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं था, माहौल नहीं बिगड़ा हुआ था कि मजबूरन गोली चला देगा। इसी की जांच हो रही है, इसी में लोग भीड़ में है। देखो, दिल्ली में इसी बात की कर रही है ना, दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं। सबूत है तो दे दो उसको, जांच में जो शामिल हो जाएगा। आप ये बात गलत कह रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है तो दे। अरे मैं कह रहा हूँ, जो जाँच कर रही है, हम तो इसमें आप ही लोगों से तो ली जाएगी। सर, आपके पास क्या सबूत है कि पुलिस ने नहीं मारी है गोली? क्या जी, आपके पास क्या सबूत है कि पुलिस ने गोली नहीं मारी है? नहीं, मैं तो उसके बाद पोस्टेड हुआ, मेरे पास कोई। तो फिर आप कैसे हमसे सबूत मांग सकते हैं? मैं नहीं, सबूतों के बाद आप पुलिस हैं, आपका काम है सबूत ढूंढना। एसआईटी क्या जांच करेगी? आप ये बात मत बोलिए कि सबूत दीजिए, सबूत हम भी मांग सकते हैं कि क्या सबूत है आपके पास कि पुलिस ने गोली नहीं मारी है? सबूत दीजिए। सबूत के बाद नहीं, आपने उनसे अभी कहा कि आप हमें सबूत दीजिए। बात सुन लीजिए, सब बात ही सुन रही हूँ, तभी उसके बाद सवाल कर रही हूँ कि आपके पास सबूत है कि नहीं। बैरक ये कह रहा हूँ कि जो एसआईटी जांच कर रही है, अपने एंगल से जांच कर रही है, आप लोगों के पास भी पब्लिक से भी मांगा जाता है सहयोग करने की बात कर रहा हूँ। जो सहयोग करेंगे, सहयोग की बात की जा रही है। आप वीडियो नहीं होगी तो क्या उनको सजा नहीं मिलेगी? नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ, सबूत और पुख्ता करने के लिए ऐसी चीज है कि मान लो एसआईटी आ रही है, इसीलिए तो दूसरा बार बार करा दिए कि जिसको जो भी जानकारी, मतलब अभी पुलिस को ये डाउट है कि गोली नहीं चली? नहीं, वो डाउट नहीं, उनके खिलाफ गोली चली। अच्छा, एक बात बताओ, फर्स्ट इज लास्ट क्रॉस के। देखो, हम तो है सर्व सर्वा नहीं है, हम आप ही लोग तरह से बात करो। एक बात बताओ, गोली चली है ना? नहीं हम उस टीम में है, बहुत चीजें। देखो, आप यहाँ है तो लाइबल है अधिकारी। हाँ, लाइबल तो है, तभी तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो आप मुझे, आप सर ये बताइए, देखिए आप ये बताइए, गोली चली है जी जी, पुलिस की बंदूक से चली है? ये तो यही इसी बात की जांच हो रही है। यही तो बात है। बताओ, आपने फैसला कर दिया, एसआईटी जांच कर रही है सब कुछ होते हुए भी, मतलब अभी ये क्लियर नहीं कि पुलिस की बंदूक से ही गोली चली है? क्या जी, भाई मेरी पोस्टिंग बाद में हुई, हम घटनास्थल पर थे नहीं। ठीक है, जांच किस बात की होती है? फैसला आपने कर दिया, पहले नहीं किया। थोड़ा सब्र रखो यार, जो जांच होगी न्यायिक तरीके से होगी। मैं आपके संज्ञान में वहाँ बोल भी दिया, आपके संज्ञान में बात डाल देता हूँ, आपके अधिकारीगण आगे भी भेज देंगे। मेरे भी ऑफिस से अधिकारियों को तमाम वो लेटर दे दिए गए कि आज मैं यहाँ आ रहा हूँ। और यहाँ आपको मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ कि हमने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि अन्य संगठनों के भी लोग मौजूद हैं, हम लोग सारे समाज के लोग मौजूद हैं, और 3 दिन का टाइम दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया, 3 दिन में यदि प्रशासन गिरफ्तार नहीं करता है मुख्य आरोपी सहित सभी आरोपियों को, तो रामपुर के अंदर बड़ा आंदोलन जो है वो किया जाएगा, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है।
बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ये आप बात पहुंचा दे, बिल्कुल क्लियर पहुंचा दे। और हम किसी घुड़की से डरने वाले नहीं है, हम किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं है, और ना हम पुलिस की गोली से डरने वाले हैं। अगर योगी जी ये कहें कि गोली मार दो इनको, तो देखो हम तो कहते हैं फुल आपके सामने बैठे हुए, मार दो ना गोली हमें। धमकी कौन दे रहा है बताओ? धमकी तो है ये, क्या ये धमकियां ही है कि भाई जो जो आप बता रहे हैं कि भाई जांच चल रही है, और ये कह रहे हैं कि भाई उसमें तथ्य मिलेगा आपको कोई। और एक बड़ी बात और है, आप एक जैसे कोई प्लॉट है किसी का, अपना प्लॉट है 100 गज का, 50 गज का है, ये लोग अपने प्लॉट में जो है कोई भी दलित प्रतिमा नहीं लगा सकता बाबा साहब की, ये साफ है, क्लियर है। ऐसा क्यों है? परमिशन मांगते हैं, कहते हैं परमिशन लीजिए आप, तब होगा, नहीं तो प्लॉट, ये मामला प्लॉट का तो नहीं है ना, ये मामला जनरली बात पूछ रहे हैं, जनरली नहीं पूछ रहा हूं। नहीं नहीं भाई बताओ, जहाँ बहुत जगह प्रतिमाएं लगी हैं तो क्या लगी नहीं है, परमिशन नहीं मिलती है? तो सरकारी जमीन में नहीं लग सकती है क्या जी? सरकारी जमीन में देखो यार, पहली बात सरकारी जमीन क्या चीज है, किस नेचर की है? जो सरकारी जमीन कई तरह की होती है, ये खाद के गड्ढे हैं जो सार्वजनिक उपयोग की जमीन है, बगैर अनुमति के इसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है? बच्चा खत्म हो गया, उसका बड़ा दुख है, और कोई कार्रवाई नहीं। यही तो बात है कि बच्चा नहीं रहा, उसका पूरा भविष्य गया, जो दोषी होगा उसका कार्रवाई होगी, ठीक है? जो दोषी होगा पाया जाएगा, एसआईटी जांच करेगी, तो उसको कार्रवाई हमारा ब्लॉक साथ देव कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी धमकी की बात चल रही थी, यहाँ हमारे लोगों को डराया भी धमकाया भी जा रहा है, भाई पुलिस प्रशासन यहाँ लगा हुआ है, किसी को कोई धमका रहा था, हम लोग पास आओ, हम लोग यहीं पे तो कैंप किए, पुलिस ही आरोप है, पुलिस ही धमकाएगी हमारी, आके बता तो सही भाई, यहाँ मजिस्ट्रेट भी लगाया गया, मैं भी लगा हूँ, ला लगे हुए हैं, अगर कोई बात हम लोग लगातार संपर्क में है, तो गिरफ्तार करिए। अभी हमने जो मांग रखी है वो यहाँ स्पष्ट तौर पे, जैसे मेरी परिवार से बात हुई है, परिवार ने तो सिर्फ यही कहा है कि उनको न्याय चाहिए, उनको कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो तो हमें सोचना है, परिवार ने कहा है कि न्याय चाहिए। और जब तक फाइल पुलिस के पास है, योगी जी के पुलिस के पास, तब तक कोई न्याय नहीं है। आई एम राइट सर, आई एम राइट, न्याय नहीं है ना? अब योगी जी कहते हैं ना कि गोली मार दो, बोलते हैं ना, वो एनकाउंटर कराते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रखते हैं, सर कुछ तो बोलिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको संबोधित कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, हम यहाँ संबोधित करने नहीं आए, हमारा अपना दुख है, हमारा भाई चला गया तब आए हैं, हम पूछ रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर लाइबल है, अधिकारी है, तुम लोग खड़े हो गए, शोर ना करो, यहाँ लाइबल है, अधिकारी है, आप ये देखिए कि पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, तो हमारी मांग है सीबीआई की जांच कराई जाए, और सीबीआई जांच का तो आप आदेश देंगे, आपकी प्रक्रिया है, 6-7 दिन चलेगी, उससे पहले तत्काल आप प्रमुख आरोपी एसडीएम सीओ तहसीलदार गोली मारने वाले इन सबको भैया आप अरेस्ट करो और जेल में डालो, 3 दिन का समय, देखिए ये जनता की अदालत है, जनता की अदालत से ऊपर कोई अदालत नहीं होती, और इस बात का सबको पता है, प्रशासन भी जानता है। लो तखत आ गया भाई, देख लो, निशान तखत आ गया है। अच्छा, अरे बैठो बैठो, सारे बैठे रहो, इसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, लगा दे भाई, यहाँ अदालत लग गई, अब ये देख लो आप, बैठ जाओ, आ जाओ, एक दो लोग ऊपर आ जाओ, आप आओ, अरे बैठा लेके आ जाओ, एक पीछे आ जाओ, सर प्रशासन से भी बात करेंगे, झंडा पकड़ो, प्रशासन से भी बात करेंगे, पीछे पकड़ो, अच्छा आप सही कह रहे हैं, सम्मानित तरीके से आ जाइए, 5-10 लोग जैसे भी हैं, पूरी बात करेंगे, हर प्रश्न का आपका जवाब। तो देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो मैं बात बता रहा हूँ वो आप भी सुने, बिल्कुल आप आकर बैठिए, आप हर बात सुनेंगे, हर बात का माकूल तार्किक जवाब, तो हम यहाँ रोड पर नहीं बैठ सकते, नहीं यहाँ पे, यह गुप्ती अलग बात, गुप्त नहीं, सार्वजनिक रूप से बात होगी, सिस्टम होता है सर, सिस्टम करप्ट हो चुका है, देखो मेरी मदद करो, मैं सुधारना चाहता हूँ, मैं आप
आप और हम, मैं सिस्टम को सुधारना चाहता हूँ, सिस्टम खत्म हो चुका है पूरा योगी जी के राज में। इस तरीके से नहीं बातें होती है जैसे आप कर रहे हो, आप एक सिस्टम तरीके से बात करना कैसे करें साहब, बता तो रहे, आप आइए ना, कैसे करें साहब, आइए बैठिए बात, सिस्टम नहीं बैठ के बात करते करते तो ये समय आ गया। देखिए यहाँ लगी है हमारी अदालत और साफ तौर पे कह रहे हैं हम, भाई तीन दिन का समय हम पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं। अरे सुनो भाई, सुनो ना, अरे आवाज शांत कर लो, आवाज शांत कर लो भैया, सुन लो, आप खड़े हो जाओ साथियों। तीन दिन का समय हम प्रशासन को, सरकार को दे रहे हैं। तुम्हारी बंदूकों में जितना बारूद है ले आओ सामने, हम खड़े हैं सीना तान के, लो लाओ, आ जाओ, मारो गोली। कितने कितनी गोलियां मार सकते हैं आप लोग? सीना तान के खड़े हैं हम लोग, गोली मारिए। तीन दिन का समय देते हैं, अगर तीन दिन के भीतर एसडीएम, डीएम, तहसीलदार हो या फिर कोई भी पुलिस का अधिकारी हो, गिरफ्तार नहीं किया गया तो रामपुर के अंदर महा आंदोलन किया जाएगा। ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश के अंदर हम चलने नहीं देंगे बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत कराई गई हत्या है और पूरे तरह से एसडीएम खुद फैसला नहीं ले सकता। इसमें मुख्य आरोपी जो है हमारे सीएम है, डीएम है, एसडीएम है, उनको लाओ और फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ, ये हमारी मांग है। जांच के नाम पर लीपापोती हो रही है जनाब, जांच के नाम पर तमाम सबूतों को छिपाया जा रहा है, जांच के नाम पर हॉस्पिटल के डॉक्टरों को सेट किया जाएगा, पुलिस अधिकारियों को सेट किया जाएगा, जो गोली के खोल थे वो बदल दिए जाएंगे, जो हाथ के उंगलियों के निशान थे वो बदल दिए जाएंगे, पूरा का पूरा चक्रव्यूह जांच के नाम पर बचाने का चल रहा है। किसको? एसडीएम को बचाने का चल रहा है, डीएम को बचाने का चल रहा है, और यहाँ पर जो अधिकारी थे, तहसीलदार और अन्य अधिकारी थे और पुलिस अधिकारी थे और गोली मारने वाले लोग, उनको बचाने का षड्यंत्र चल रहा है। क्योंकि अगर उनकी फोन कॉल, एसडीएम तहसीलदार की फोन कॉल आप जो है सार्वजनिक करें, मेरी मांग है कि आप इनकी फोन कॉल सार्वजनिक करें, लखनऊ से फोन आया है गोली मार दो, तब गोली मारी गई है, ये अचानक नहीं हुआ, ये सोचा समझा प्लान है। दलित अगर आवेश में आएगा, दलित बाबा साहब अंबेडकर का बोर्ड लगाएगा, दलित अगर बाबा साहब की प्रतिमा कहीं भी लगाएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, उसको गोली से मार दिया जाएगा। ये पूरे तरह से गुंडा राज है उत्तर प्रदेश के अंदर, गोली राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, गुंडा राज चल रहा है, सरकार नहीं चल रही है ये।